दोस्तों डेब्यू में खुद को साबित नहीं कर पाया तो रो पड़ा गरीब ऑटो ड्राइवर का बेटा। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरह से खराब डेब्यू जाने के बाद ऑटो ड्राइवर के बेटे कुलदीप सेन अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाए, बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला 4 दिसंबर को ढाका के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर भी नहीं खेले और 186 रन बनाए थे। उसके बाद बांग्लादेश जब इस टोटल को चेज करने उतरी तो बांग्लादेश की टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही भले ही दोस्तों, लेकिन स्कोर काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर दोस्तों इस मैच में मोहम्मद सिराज और सुंदर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए यहां पर दोस्तों बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया। इस मुकाबले में बांग्लादेश की हालत यह हो गई थी कि 39.3 ओवर्स में बांग्लादेश के 136 रन पर 9 खिलाड़ी पवेलियन चले गए थे और यहां पर उनको जीत के लिए अभी भी 50 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया पूरा का पूरा मुकाबला अपने नाम कर चुकी थी। फिर दोस्तों यहां पर दोस्तों ओवर का 41वां नंबर आया और उस ओवर को लेकर आए कुलदीप सेन। इस ओवर में कुलदीप सेन जो डेब्यू कर रहे थे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने इस ओवर में पूरे 14 रन लुटा दिए। एक ऐसा स्कोर जहां पर भारतीय टीम पूरी तरीके से सेट हो चुकी थी, सिर्फ यहां पर मेहंदी हसन का विकेट चाहिए था। लेकिन उस ओवर में मेहंदी हसन ने उनको 2 छक्के लगाकर अपने बल्ले को दिखा दिया और सेट हो गए मेहंदी हसन उसी ओवर से। उसके बाद दोस्तों कुलदीप सेन से जब मैच के बाद पूछा गया तो वो इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही भूलने वाला डेब्यू था। मैं चाह रहा था कि मैं टीम इंडिया के लिए पहले मुकाबले में जीत दिलाऊं, मैंने शुरुआत में विकेट्स भी चटकाए थे, लेकिन उस ओवर में मैं बहुत घबरा गया था। टीम को मेरी जरूरत थी और आखिरी विकेट था, मैंने सोचा कि जल्दी विकेट ले लूं, लेकिन मैं ऑफ स्टंप पे गेंद डालने के चक्कर में 2 गेंद बाहर डाली और दोनों गेंद में छक्का खा गया, जिससे मेरे टीम मेट्स मुझसे काफी खफा हो गए क्योंकि ये मुकाबला मेरी वजह से टीम इंडिया हारी, वरना हम इस मुकाबले में आसानी से जीत दर्ज कर सकते थे। पर इस मुकाबले में हारने के बाद मैंने एक चीज सीख ली है कि आने वाले मुकाबलों में मुझे प्रेशर नहीं लेना चाहिए और भारतीय टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कुलदीप सेन की गेंदबाजी से आप खुश हुए थे या फिर नाखुश, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।